News 18, India. बड़ी खबर, किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन को लेकर दिल्ली पुलिस अब अलर्ट पर है। दिल्ली पुलिस ने चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं। जो बॉर्डर्स हैं, सिंधु बॉर्डर पर धारा 144 लगा दी गई है। किसी भी तरह की भीड़ जुटाने पर पाबंदी लगा दी गई है। दिल्ली के ही औचंदी बॉर्डर पर भी 144 धारा लगाई गई है। दोनों ही बॉर्डर दिल्ली से हरियाणा और पंजाब को जोड़ते हैं। चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसानों की अहम बैठक भी होनी है। पहली बैठक में किसान नेताओं के सामने सरकार की तरफ से कुछ प्रस्ताव रखा गया था। सरकार की ओर से कहा गया था कि एक बैठक और होनी है, लेकिन अभी जो तस्वीरें दिख रही हैं, जितने बॉर्डर्स हैं उन्हें एक तरह से चप्पे चप्पे पे निगरानी की जा रही है। ड्रोन के जरिए भी ये निगरानी हो रही है। यानी हरियाणा पंजाब को जिस तरह से दिल्ली के बॉर्डर जोड़ते हैं, वहां पर इस वक्त पुलिस की तैनाती है। बैरिकेडिंग कर दी गई है, सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं और सिंधु बॉर्डर पर धारा 144 भी लगा दी गई है। यानी वहां से जो भी गाड़ियां गुजर रही हैं उनकी बाकायदा चेकिंग की जा रही है। इधर उधर नहीं गड्डी खड़नी, ना कोई ट्राली इधर उधर खड़ी हो, बड़े आराम ना जायो, क्योंकि किसी का नुकसान ना आवे ना अपना ही होवे। ਬਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बॉर्डर्स की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग बॉर्डर किस तरह से वहां पर चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त कर दिए गए हैं। बैरिकेडिंग कर दी गई है, जगह जगह पर ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। यानी किसी भी तरह से ये आंदोलन जो है बड़ा ना हो, उसकी तैयारियां की जा रही हैं सरकार की तरफ से। और अभी इस बीच चंडीगढ़ में किसानों के साथ एक बैठक भी होनी है। और दूसरी तरफ जो बॉर्डर्स हैं जो पंजाब और हरियाणा से जोड़ते हैं, वहाँ पर इस वक्त कड़ी निगरानी कर दी गई है। पुलिस की तैनाती है, जो भी वहाँ से वाहन निकल रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। और सिंधु बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर जो है उस पर धारा 144 लगा दी गई है। बैरिकेडों की ये लंबी कतार लगी हुई है दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर गाजीपुर बॉर्डर पे। जिस तरीके से किसानों ने दिल्ली कूच का कार्यक्रम बनाया है, उसके मद्देनजर तमाम बॉर्डरों पर इस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही है। गाजीपुर बॉर्डर की सबसे पहले तस्वीरें दिखा रहे हैं, रोड पूरी ब्लॉक कर दी गई है। ये देख रहे हैं आप, दिल्ली पुलिस की बसें हैं जिनको लगाकर इसे ब्लॉक किया गया है। जगह जगह आपको बैरिकेडिंग नजर आ रही है। रास्ता दिल्ली से उत्तर प्रदेश और खास तौर पर उत्तर प्रदेश से दिल्ली आने वाला ब्लॉक किया गया है। यानी कि जिस रूट पर फिलहाल हम खड़े हैं, यहाँ से लोग नीचे की तरफ से आके यूपी से दिल्ली एंटर करते थे, इसे ब्लॉक कर दिया गया है। जो बिल्कुल छोटा सा गैप लोगों को बीच में यहाँ पर नजर आ रहा है, वहीं से लोग अपने दोपहिया वाहन जो है वो लेते हुए चल रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। एक तस्वीर और दिखाते हैं कि देखें, यहाँ पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। ये जो ऊपर खंभे आपको नजर आ रहे हैं, इनमें सीसीटीवी कैमराज लगाए गए हैं, क्योंकि गाजीपुर पॉइंट की जब हम बात करते हैं, तो उस वक्त जब किसान आंदोलन अपने उग्र रूप में था, तो गाजीपुर बॉर्डर भी एक मेन पॉइंट था। ऐसे में जब ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि तमाम किसान जो है वो जगह जगह से दिल्ली कूच के लिए पहुंच सकते हैं, ऐसे में गाजीपुर बॉर्डर पर खास तैयारियां देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। और मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रियंका कांडपाल, उसके अलावा जावेद मंसूरी भी हैं। प्रियंका, आप गाजीपुर बॉर्डर में हैं, ये वो बॉर्डर है जहां से दिल्ली आने का सिलसिला लोगों का शुरू होता है, अगर वो मेरठ की तरफ से आते हैं, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों से अगर वो आते हैं, किस तरह के इंतजाम हैं? और आज चूंकि सोमवार का दिन है, दफ्तर जाने वालों की बड़ी भीड़ होती है, उससे कैसे निपटेगी पुलिस? तस्वीरें पंकज सबसे पहले दिखा देती हूँ। गाजीपुर बॉर्डर, जिसे हम यूपी गेट भी कहते हैं, वहां पर देखिए ये किस तरीके से पुलिस की दो गाड़ियां, उसके पीछे चार लेवल की बैरिकेडिंग और ये पूरा रास्ता ब्लॉक। और जिस तरफ मैं हूँ, ये रास्ता असल में दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाला है, यानी कि दिल्ली से यूपी जाने वाला है। सीसीटीवी में मैं आपको दिखाऊं, ये क्योंकि फ्लाईओवर के ऊपर जो लाइट्स लगी है उनमें ये सीसीटीवी खास तौर पे लगाए गए हैं। इसके अलावा एक और तस्वीर देखना बेहद अहम है, क्योंकि आप देखेंगे आगे पीछे की तरफ जहां पर आप देखेंगे हर जगह बैरिकेड लगाए गए हैं। तो ये जो तमाम गाड़ियां आपको यहाँ आती हुई नजर आ रही है, ये वो गाड़ियां हैं जो यूपी से दिल्ली एंटर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ से अब यू टर्न करके जा रही है, यानी कि रास्ते को यहाँ ब्लॉक कर दिया है। हालांकि फ्लाईओवर अभी भी चल रहा है, लेकिन इस रूट की अगर बात करें तो ये बैरिकेड्स इस तरीके के, एक दिल्ली से यूपी जाने की तरफ और यूपी से दिल्ली आने वाली तरफ, दोनों तरफ एंट्री पॉइंट्स को बंद कर दिया गया है। बैरिकेड्स नजर आ रहे हैं, गाड़ियां जो है वो यू टर्न लेकर वापस यूपी की तरफ जा रही है, जिसकी वजह से जाहिर तौर पर लोगों की परेशानी बढ़ रही है। वो लोग जो सुबह स्कूल में अपने बच्चों को छोड़ने के लिए जा रहे थे, वो अपनी परेशानियों को यहाँ हम तक भी पहुंचा रहे हैं। पंकज, बिल्कुल, प्रशांत चुरे मेरे एक और सहयोगी भी गाजीपुर बॉर्डर के आसपास ही मौजूद है। प्रशांत, आपके पास क्या तस्वीरें हैं
स्कूल जाने के लिए दिक्कत होगी बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, उसके अलावा जो ऑफिस गोअर्स हैं उनको दिक्कत हो सकती है। किस तरह के इंतजाम किए गए, क्या इस वक्त आपके पास अपडेट? प्रशांत, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी। प्रशांत, आप इस वक्त कहां हैं और क्या तस्वीर आप दिखा पाएंगे इस वक्त? बिल्कुल, देखिए हम गाजीपुर मंडी के पास में यहां पर मौजूद हैं और यहां अभी प्रिकॉशनरी बैरिकेडिंग कर दी गई है। इस तरफ से रूट डाइवर्ट हुआ है, जो कल किसानों का आंदोलन यहां पहुंचने की आशंका, उसके मद्देनजर अभी से पुलिस प्रशासन ने ये एहतियात बरती है। और यहां पर देखिए, ये जो दिल्ली की ओर जाने वाला रास्ता है, इस तरफ से गाजियाबाद से आता हुआ और ये गाजीपुर मंडी के पास से ये सीधे फ्लाईओवर से नीचे उतरने वाला रास्ता जो है ये बंद कर दिया गया है और ये प्रिकॉशनरी एक्शन लिया गया है जो पुलिस प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है। लेकिन ये रूट डाइवर्ट किया गया और यहाँ से ये इस तरफ दिल्ली में एंटर करवा पा रहे हैं लोग। हालांकि जो स्कूल बसेस हैं या सुबह सुबह दफ्तर जाने वाले लोग हैं, अब उन्हें कुछ लंबा रूट लेना पड़ रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन के लोगों की भी यहाँ पर मौजूदगी और उन्होंने कहा है कि कल 13 तारीख को जिस तरह से किसानों ने अपने आंदोलन की बात कही है, उसे लेकर आज से ही ये एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। और ये आप देखिए किस तरह से कुछ लोग पैदल चलने वाले ही इस बैरिकेडिंग के किनारे से पहुंच रहे हैं, बाकी ये पूरे लोग पुलिस प्रशासन के यहाँ पर मौजूद है। और आप देख सकते हैं दिल्ली जाने वाला है रास्ता, मेरे सहयोगी अनिल दिखा रहे हैं, ये रास्ता सीधे जो गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ आता है, इस रास्ते पर ये बैरिकेडिंग लगी हुई है और दिल्ली पुलिस की गाड़ियां यहाँ रास्ते में अब बिल्कुल। तो दो दिन दिल्ली वासियों के लिए थोड़ी मुश्किलें जरूर हो सकती है, आप जरा ध्यान रखें। अगर आपको दिल्ली की तरफ जाना है गाजियाबाद से या दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ से आना है, तो आप जो दूसरे रूट्स हैं उनका भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहां दिक्कत होने वाली है। सिंघू बॉर्डर पर हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी हमारे साथ हैं। जावेद, आपके पास क्या अपडेट, क्या जानकारी? देखिए पंकज, सिंघू बॉर्डर पहले भी किसान प्रोटेस्ट का केंद्र रहा है और उसी के मद्देनजर यहाँ तैयारियां भी बड़े पैमाने पर की गई हैं। आपको तस्वीर दिखाते हैं, बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके अलावा पिछली बार की तरह हमने देखा था कि यहाँ पर सड़क पर कंटेनर रखे गए हैं। अभी सड़क खुली हुई जरूर है, लेकिन ये जो किसानों के दिल्ली कूच की आशंका के मद्देनजर पूरी तैयारी दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। मैं आपको देखिए कमांड सेंटर दिखाना चाहूँगा जो दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर इस्टेब्लिश किया है, पूरा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, क्योंकि बड़ा प्रोटेस्ट का ऐलान जो है वो किसानों ने किया। देखिए और उसकी तैयारियाँ और विजुअल्स हम आपको दिखाते हैं। यहाँ ये बंडल आप देखिए, ये कटीले तारों के बंडल हैं जो कि बॉर्डर पर अभी पैक होकर रखे हैं, लेकिन इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो इनको लगाया जाएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो टायर किलर है वो भी यहाँ पर रखे गए हैं, जो यहाँ बॉर्डर, क्योंकि हमने देखा था पिछले 13 महीने तक वो प्रोटेस्ट यहाँ पर चला था, सिंघू बॉर्डर पर सबसे ज़्यादा किसान टिके हुए थे साल भर से ज़्यादा, उसी तरीके की तैयारी मैं आपको देखिए यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। इस पूरी सड़क पर बॉर्डर के आसपास यहाँ पर पुलिस की तैनाती आपको नजर आएगी, उनके कैंप्स यहाँ पर नजर आएंगे और आगे बाकायदा क्रेन भी रखी हुई है। तो यहाँ बॉर्डर पर तैयारियाँ की गई हैं। अभी अगर रोड की अगर मैं बात करूँ, जो सोनीपत से दिल्ली आने वाला रास्ता है, जो हाईवे है, वो अभी चल रहा है, उसको बंद नहीं किया गया, लेकिन जो सर्विस लेने उसको बताया जा रहा है कि उसको एक तरफ से अभी ब्लॉक किया गया है। न्यूज 18 इंडिया वो भी तस्वीर आपको दिखाएगा, लेकिन पूरी तैयारी यहाँ पर आप देखेंगे, कई लेयर बैरिकेड्स लगाने की तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। दिल्ली पुलिस की मचान देखिए आपको यहाँ पर नजर आएगी, तो पूरी तैयारी कल की है कि किसान, बिल्कुल पूरी तैयारी पुलिस ने करके रखी है कल को देखते हुए। आज एक तरह से रिहर्सल भी पुलिस की ये है, बड़ी दिक्कत लोगों को ना हो उसके भी इंतजाम पुलिस की तरफ से किए गए। आपको बता दें किसानों के आंदोलन को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने 15 डिस्ट्रिक्ट में धारा 144 लगाई है, चंडीगढ़ में भी धारा 144 लगा दी गई है, जबकि दिल्ली के बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है और सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर धारा 144 लगा दी गई है। तो किसी भी तरह का कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। चंडीगढ़, सिंघू बॉर्डर, उसके अलावा 15 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर धारा 144 लगाई गई है, पूरे इंतजाम पुलिस की तरफ से कर दिए गए। दिल्ली कूच पर अड़े पंजाब और हरियाणा के किसानों की मांग है कि सभी फसलों की खरीद पर एमएसपी गारंटी अधिनियम बनाया जाए, यह कहना है। उसके अलावा साथ ही साथ किसानों को पेंशन की सुविधा मिले, यह भी इसमें कहा गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार की मांग की जा रही है। उसके अलावा 2020 में प्रदर्शन के दौरान किसानों पर दर्ज केस रद्द कर दिए जाएं, यह भी किसानों की मांग है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए, साथ ही साथ कृषि क्षेत्र को प्रदूषण कानून से बाहर रखा जाना चाहिए, ये किसानों की मांगे हैं, जिसको लेकर
वह अब सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसे देखते हुए पुलिस की तरफ से भी पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं, यानी किसी भी तरह का कोई इंसिडेंट ना हो उससे निपटने की तैयारी पुलिस की तरफ से की गई है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है और किसानों ने क्या मांगे की हैं वो हम आपको बता रहे हैं। उधर दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर भी किसानों को रोकने के लिए तैयारी की गई है। दिल्ली पुलिस ने यहां अस्थायी कमांड सेंटर बनाया है और कंटेनर और कंटीले तारों के जरिए पूरे के पूरे बॉर्डर को सील कर दिया गया है, ये तैयारी की गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से। हमारे तीन तीन सहयोगी हमारे साथ हैं। प्रियंका, जरा आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि हालांकि अब कल ये आंदोलन किसानों ने बुलाया है, किस तरह की तैयारी किसानों की तरफ से की गई है, कितने ट्रैक्टर्स वो लाएंगे, तमाम किसान नेताओं के संपर्क में आप होंगी, क्या कहना है उनका, अपनी मांगों को लेकर आ रहे हैं वो दिल्ली? देखिए, अब मैं किसानों की अगर बात करूं तो बताया जा रहा था कि 1000 से ज्यादा ट्रैक्टर जो है वो तो शंभू बॉर्डर की तरफ ही चल रहे हैं और ऐसे में हमने देखा है कि एक जगह से ये कॉल होती है और तमाम किसान यूनियन जो है वो साथ में लग जाती है। यही कारण है कि केवल दिल्ली हरियाणा या दिल्ली पंजाब बॉर्डर को ही सील नहीं किया गया, जो रास्ते जाते हैं तमाम बॉर्डरों पर इस तरीके की चौकसी। और एक तस्वीर में गाजीपुर बॉर्डर से आपको पहले फिर दिखा दूं, आप देखिए कि सीमेंट बैरिकेड्स, ये जो आपको साइड में नजर आ रही है, सारे सीमेंट बैरिकेड्स हैं जिनको मशीनों की मदद से लगाया जाता है क्योंकि इतने भारी होते हैं कि इनको उठाना लोगों के बस की बात नहीं है। और इसी तरीके से यहाँ जो बैरिकेड्स पहले हमने आपको दिखाए उसके बाद आप देखेंगे कि दो सीमेंट के बैरिकेड्स की लेयर भी की हुई है। ऐसा है कि ये तीसरा, अगर मैं कहूं कि जब से मैं देखना शुरू कर रही हूं तो ये तीसरी बार है कि इस तरीके का कॉल है। और गाजीपुर पॉइंट की अगर बात करें तो केवल यूपी से आने वाले किसान यहां नहीं है, अगर वेस्टर्न पेरिफेरल का इस्तेमाल किया जाता है तो हरियाणा के भी किसान जो है वो इसी रूट से यूपी में एंटर करेंगे। और यही एक कारण है पंकज कि आप गुड़गांव बॉर्डर की बात कीजिए, अर्जनगढ़ बॉर्डर की बात कीजिए, सिंघू बॉर्डर की बात कीजिए, टिकरी, चौखंडी, गाजीपुर, तमाम इन बॉर्डर्स पर पुलिस ने सिक्योरिटी इंतजाम पुख्ता किए हुए हैं। 12 मांगों की बात लगातार किसान यूनियन के जो लोग हैं वो कर रहे हैं, जिसमें जैसे कि आपने बताया एमएसपी सबसे मुख्य है, इसके अलावा वो पेंशन चाहते हैं मजदूरों के लिए और उनके लिए कर्जे में पूरी तरीके से माफी चाहते हैं। कई ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको लेकर वो पूछ। चलिए, आप नजर बनाए रखें प्रियंका कांतपाल, फिलहाल आपका बहुत